तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक से, इडियम्स एंड फ्रेज। यस, आज की वीडियो में बात करेंगे 271 to 80, ये 10 इडियम अभी सीख के जाएंगे, गारंटी है। फर्स्ट आप लोग के सामने है रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट मतलब होता है रोब जमाना। रोब जमाना जानते हैं ना, अपने आप को दिखाना, जो सबसे काबिल हम ही चाहिए, इसको तो रोब जमाना, धाक जमाना। क्या कहते हैं? धाक जमाना मतलब क्या? आप लोग अभी आजकल YouTube पे रोस्ट 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 किसी को रोस्ट करते हैं लोग, रोस्ट कर करके बहुत आगे बढ़ गए। मतलब रोस्ट करना मतलब उसका गलत निकालना है ना, मोस्टली गलत ही निकाला जाता है। तो रोस्ट, और रोस्ट करने के लिए आप मतलब आप जमा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब याद रहेगा। तो क्या है? रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट मतलब रोब जमाना। रूल द रोस्ट मतलब रोब जमाना। ओके जी, टू डोमिनेट, टू डोमिनेट उस पर हावी हो गए, उसके पूरा वीडियो का चिट्ठा लेके हावी हो गए। देखिए ये बंदा जिसके आप लोग तारीफ कर रहे हैं, ये बंदा तो ये चीज है, मतलब आप उस पर क्या हो गए? हावी हो गए। आप रोब जमा रहे हैं, रोब दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? रन एम्यूक। रन एम्यूक मतलब होता है सनक सवार होना। रन एम्यूक मतलब होता है सनक सवार होना। रन एम्यूक, एम्यूक कभी कभी देखो लोग एकदम सनक, सनकल है कि, एकदम सनकल है कि, सनक सवार होना। सनक, मुक, मुक मतलब होता है मुक फिल्म। आप लोग देखे होंगे सबसे फर्स्ट मुक फिल्म था राजा हरिश्चंद्र, मुक चुप अपना एक्शन कर रहा है। कभी कभी लोग बिना मतलब के मुंह, कोई पूछेगा क्या करे, क्या करे, कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप काम करते रहेगा, चुपचाप दौड़ रहा है, चुपचाप कर रहा है, मतलब उसका सनक सवार हो गया। हमको ये चाहिए तो चाहिए। यस, तो याद रखे रन एम्यूक। रन एम्यूक मतलब सनक सवार होना। आप लोग को भी जैसे सनक सवार होते नहीं, अब की बार सिलेक्शन चाहिए तो किसी से उतना बात नहीं करते, चुप हो जाते हैं। मुक एम्यूक, रन एम्यूक, रन एम्यूक, काम करेंगे फास्ट, रन एकदम तेजी में, लेकिन एम्यूक चुप होके। ओके, रन एम्यूक मतलब सनक सवार होना। बोल रहा है मैड विद मर्डरस फ्रेंजी, मर्ड विद मर्डरस फ्रेंजी। नेक्स्ट क्या है? रन इन द सेम ग्रोव। सेम ग्रोव मतलब क्या है? संबंधों को मधुर बनाए रखना, सबको सेम बनाए रखो, मधुरता, मधुरता, अपनापन। जब सब एक दूसरे को सेम वैल्यू करेंगे तो वो संबंध मधुर होता है। क्या बोल रहा है? मेंटेनिंग अ स्वीट रिलेशनशिप, मेंटेनिंग अ स्वीट रिलेशनशिप है ना। अब पति और पत्नी सेम हो, लोग में, घर में लोग सब सेम हो, सब एक दूसरे का वैल्यू करते हो, सब एक दूसरे की बात मानते हो, मतलब उस रिलेशन में क्या है? मधुरता है। इसी को तो कहते हैं रन इन द सेम ग्रुप। रन इन द सेम ग्रुप, संबंधों को मधुर बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल, 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 मिल मतलब सामान्य, सामान्य, सामान्य से लोग जो हैं मिल पर जाते हैं आटा पिसवाने, याद है आटा चक्की, मिल पर जाते हैं आटा पिसवाने, सामान्य लोग, एवरेज लोग, कॉमन लोग, बाकी लोग तो खरीदिए कर ले आते हैं, है ना, वो नहीं जाते मिल पर पिसवाने। तो मेन मिल पर कौन जाते हैं? कॉमन लोग, सामान्य लोग, मिल, मिल, रन ऑफ द मिल, छठ है तो जा मिल पर, कुछ है मिल, 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 है ना। तो रन ऑफ द मिल मतलब सामान्य लोग, सामान्य लोग, जनरल लोग, एवरेज लोग, सब कॉमन लोग, सब कितने जाते हैं मिल पे। तो याद रहे रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल मतलब क्या? सामान्य, मन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल मतलब सामान्य, जनरल। ओके जी, एवरेज। नेक्स्ट क्या है? रन द गॉन्टलेट। रन द गॉन्ट मतलब बुरे अनुभव से गुजरना, गॉन्टलेट मतलब बुरे अनुभव से गुजरना। रन द गॉन्टलेट मतलब बुरे अनुभव से गुजरना। क्या बोल रहा है? टू गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। बाप रे, गॉन्टलेट, गॉन्टलेट, गॉन्टलेट हो गया है ना, मतलब बहुत बुरा, गॉन्टलेट हो गया मतलब बहुत बुरा अनुभव है, बाप रे, ना 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 ना, है ना। तो क्या याद रखिएगा? रन द गॉन्टलेट मतलब बुरे अनुभव से गुजरना। नेक्स्ट क्या है? सेल अंडर फॉल्स कलर्स, है ना, सेल अंडर फॉल्स कलर्स मतलब धोखा देना। कलर कभी कभी देखते होंगे लोग सब सस्ता वाला कपड़ा खरीदता है, अब उसमें क्या है ना, कलर तो एकदम मस्त रहेगा, यूनिक रहेगा, लेकिन वो फॉल्स रहता है, एक धुलाई में पूरा साफ भद्दा सा हो जाता है कपड़ा, मतलब क्या है? धोखा दे दिया। जैसे फॉल्स कलर रहता है हम लोग क्या कहते हैं?
धोखा दे दिया क्या टू प्रिंटेड टू बी समथिंग डेट यू आर नॉट डेट यू आर नॉट मतलब क्या है सेल अंडर फॉल्स कलर सेल अंडर फॉल्स कलर मतलब धोखा देना सेल अंडर फॉल्स कलर मतलब धोखा देना ओके नेक्स्ट सेव वंस स्किन सेव वंस स्किन मतलब स्वयं को बचाना अपने वंस मतलब खुद के स्किन को सेव कर लिया मतलब किसको बचाया स्वयं को बचाया खुद को बचाया ओके तो सेव वंस स्किन खुद के स्किन को बचा लिया मतलब स्वयं को बचा लिया टू सेव वन सेल्फ टू सेव वन सेल्फ मतलब खुद को बचा लिया याद रहेगा सेव वंस स्किन मतलब स्वयं को बचाना नेक्स्ट क्या है सी आई टू आई मतलब क्या है पूर्णतः सहमत होना पूर्णतः सहमत होना अब आई में आई आंखों में आंखें कब डलता है जब प्यार होता है नैना हो गई चार है ना तो नैना चार हो गई मतलब दोनों में प्यार हो गई है ना नैना चार हो गई मतलब दोनों में प्यार भ गई है ना इसीलिए तो कहते हैं सी आई टू आई उसके नजर में उसका नजर ओ हो प्यार हो गया है ना तो याद रहेगा सी आई टू आई मतलब पूर्णतः सहमत होना है ना सोइंग एग्रीमेंट मतलब टू एग्री बस हम तैयार हैं आप ही का इंतजार है हम तैयार हैं आप ही का इंतजार है आई फॉर आई मतलब नैना चार हो गई मतलब प्यार हो गई याद रहेगा सी पिंक एलिफेंट सी पिंक एलिफेंट मतलब अत्यधिक नशे के कारण उन चीजों को नहीं देख पाना उन चीजों को देखना जो वास्तव में हो ही ना इसको पर कर लेते हैं पिंक पगला पीक 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 एल एलिफेंट के जैसे हाथी के जैसे उल्टी कर रहा है हाथी के जैसे उल्टी कर रहा है अब ब्लैक के कह रहा है पिंक है पगला एल पीक अब पिंक कह रहा है क्या कर रहा है ब्लैको के कह रहा है पिंक ब्लैक के कह रहा है यहाँ पिंक आ उल्टी कर रहे है बाप रे हाथी के जैसे है ना तो सी पिंक एलिफेंट्स मतलब अत्यधिक नशे के कारण उल्टी कब करता है लोग अत्यधिक नशे के कारण वोमिटिंग करता है ओह है ना तो क्या बोल रहा है एनी विजुअल हेलुसिनेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिनेशन नेक्स्ट बोल रहा है सी रेड मतलब गुस्से में होना भैया कभी कोई गुस्सा में मतलब लाल दिखता है ये बाप रे देखे में उनका मुंह एकदम लाल मतलब गुस्से में कोई का चेहरा लाल हो मतलब गुस्से में है सी रेड ओ आप गुस्सा में थे इसीलिए दिखने में लाल लग रहे थे है ना दिखने में रेड लग रहे थे मतलब आप गुस्से में हो मतलब आप गुस्से में बाप रे गुस्से से लाल है गुस्से से लाल है याद रहेगा तो सी रेड मतलब गुस्से में होना सी रेड मतलब गुस्से में होना उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपना जितना दोस्तों उन सारे दोस्तों से शेयर कीजिए कंटिन्यू देखा कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो